नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। सीएम नीतीश कुमार भले ही लाख दावे करते हो कि उनके शासनकाल में क्राइम को कंट्रोल किया गया है, उन्होंने अपराधियों पर अंकुश लगाया है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से आज भी अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के ही गृह जिला नालंदा में दिन दहाड़े 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन चुपचाप तमाशा देखता रह जाता है। और इस सबके बीच विपक्ष की तरफ से भी अब सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमले हो रहे हैं, कई तरह के आरोप सीएम नीतीश कुमार पर लगाए जा रहे हैं। इस सबके बीच अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी सीएम नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार पहले अपने गृह जिला नालंदा के में जाएं और देखें कि किस तरह से नालंदा में आज भी अपराधी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको बता दें, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने नालंदा में हुई 6 लोगों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बीते बुधवार को नालंदा में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतारने जाने को लेकर गुरुवार को पप्पू यादव ने ट्वीट किया और ये घटना को दर्शाया कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार से कहा, सबसे पहले सीएम साहब अपने गृह जिले नालंदा में कानून का राज स्थापित करें, जिस तरह वहां नरसंहार हुआ, और ये तस्वीरें ये दर्शाती है कि यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहां एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाती है। मैं जेल में हूं, उनके आंसू नहीं पोंछ सकता, सीएम उनके घर जाएं, न्याय दिलाएं। गौरतलब हो कि सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में 50 बीघा जमीन के विवाद में बीते बुधवार को एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना जिले के छबिलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव की है। वर्षों पुराने जमीन विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, देखते देखते दोनों पक्ष के लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे गाँव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि लोगों ने इस बात का गुस्सा था कि घंटों दबंगों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। लोग मदद के लिए पुलिस को कॉल करते रह गए, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिस कारण 6 लोगों की मौत हो गई। और अब इसी मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष की तरफ से तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अगर पुलिस प्रशासन समय पर पहुंच जाती तो 6 लोगों की हत्या नहीं होती। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लाख दावे किए जाते हैं कि उनके शासनकाल में क्राइम कंट्रोल हुआ है, उन्होंने अपराधियों पर अंकुश लगाया है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है उसमें साफ देखा जा सकता है कि आज भी किस तरह से अपराधी अपनी मनमानी करते हैं और आज भी उन्हें पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। और यही कारण है कि आए दिन बिहार में कोई ना कोई आपराधिक घटना देखने को मिलती है। और इसी यही कारण है कि एक बार फिर से विपक्ष के तरफ से हमले तेज हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है, उनके प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को नालंदा जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। मैं जेल में हूं, इसलिए मैं इस वक्त उनके आंसू नहीं पोंछ सकता, लेकिन सीएम नीतीश कुमार को उनसे जाकर मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो कोई भी अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।